आपके साथ होम टू शेयर करूंगी जी, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड गुड मॉर्निंग। मैं अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी। आज है डे वन, हमारा ब्लॉग में स्टार्ट हो गया। आई एम सो एक्साइटेड, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड थैंक यू दिल से। अब मैं बर्गर्स रेडी करूँगी। पैन में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल एंड पैटीज़ को मैं करूँगी गर्म। इसको मैं लो टू मीडियम हीट पर करती हूँ। अदर साइड भी मेरा हो गया है ऑटमील रेडी, एंड ऑटमील मैं वाटर में बनाती हूँ एंड बाद में थोड़ा सा मैं ऑलमंड मिल्क ऐड कर देती हूँ, बहुत अच्छा बन जाता है। एंड वेरीज के साथ मैंने बच्चों को सर्व कर दिया है। अदर साइड मैं बंस को टोस्ट करूँगी बर्गर के लिए। बच्चे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं एंड क्रिसमस का म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह इतना लाइक माहौल बना देते हैं क्रिसमस का। आई रियली लव दिस सीज़न, एंड आप भी मुझे बताना आपको क्रिसमस कैसी लगती है। एंड अब मैं इसको पकाऊंगी पैटीज़ को लो टू मीडियम हीट पर, फिर अंदर से भी अच्छे से पक जाती है। ये मेरा मॉर्निंग का 5:30 का रूटीन है। बच्चों का टिफ़िन हो गया है डन, एंड अब मैं अदर लेफ्ट ओवर वर्क करूँगी। जितने भी मेरे बर्तन होते हैं रात को धुल जाते हैं मशीन में, वो मैं निकाल लूँगी, एम्प्टी कर लूँगी। एंड फिर मैं क्या करती हूँ, साथ साथ में और रखती रहती हूँ बर्तन। आज टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड है। अब मैं जाऊंगी बच्चों को शोर कराऊंगी स्कूल में। बच्चों को शोरने के बाद राइट आफ्टर जो मेरा लेफ्ट ओवर वर्क होता है, उन चीज़ों को फिर मैं आके फिनिश करती हूँ राइट आफ्टर माय ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में बहुत रश होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना हार्ड होता है, बट अगर आप प्लानिंग के साथ करो तो बहुत सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। एंड मैं बर्तन साथ साथ में ही डिश वाशर में रखती रहती हूँ, इससे मेरी जो सिंक है वो नीट एंड क्लीन रहती है। अगर आप मुझे बहुत देर से वॉच कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं हर एक चीज़ को डिवाइड करके रखती हूँ। थर्सडे होता है मेरा क्लीनिंग डे, सो इस दिन मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ A to Z, एंड मैंने सीजनली भी अपने कामों को डिवाइड करके रखा हुआ है। ऐसा करने से क्या होता है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, इससे आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, प्रोडक्टिव रहते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी टाइम पर हो जाती हैं। सो आज मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर डिटेल में आप वीडियो देखना चाहते हो कि घर की क्लीनिंग में जो मैं वीकली करती हूँ उसमें क्या क्या करती हूँ, सो उस वीडियो का लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, और यू कैन क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जो मेरे ब्लॉग्स लाइक करते हैं, हमेशा कहते हैं कि सोनिया ब्लॉग्स बनाओ ब्लॉग्स बनाओ, सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं ब्लॉग मस्ट कर रही हूँ। अब आपको मेरी वीडियो एवरी डे मिलेगी अंटिल क्रिसमस। सो मैंने आज से ही डे वन से स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत ही प्रोडक्टिव डे है। जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, आई प्रॉमिस कि सारे दिन प्रोडक्टिव होंगे, मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगी, मेरा एवरी डे रूटीन होगा, शॉपिंग, सो मैनी थिंग्स जो आप लाइक करते हो देखना, हर एक चीज़ मैं अपने ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड रहना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनिया। आई वुड लाइक टू मेक ऑल टाइप ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं रूम मेकओवर्स की वीडियो बनाती हूँ, DIY डेकोर की वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारी DIYs अपने चैनल पे शेयर करती हूँ एंड बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं कैसे आप प्रोडक्टिव रहें। बहुत सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अब आपको ब्लॉग एवरी डे मिलेगा। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब जल्दी से मैं क्लीनिंग डन कर लेती हूँ। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। किसको नहीं अच्छा लगता है शॉपिंग करना। सो जल्दी से जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर में, जो है होम सेंस। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए क्रिसमस के लिए। लेट्स सी अगर कुछ अच्छा फाइंड आउट होता है तो। भाव होम सेंस में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स आए हुए हैं। प्राइस आप साथ में देखते रहें। मैंने अपना घर एक्चुअली डेकोरेट कर तो लिया है बट फिर भी मुझे ये चीज़ें सारी देखनी बहुत अच्छी लगती है। अब एवरीडे ब्लॉग में आपके साथ ऐसी ही सारी चीज़ें शेयर करूंगी एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप मेरे ब्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हो। मेकअप देखना चाहते हो, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वट एवर यू सेट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैं आपके साथ वो शेयर करूँ अपने ब्लॉग्स में। सो ये स्टॉकिंग्स बहुत अच्छी थी एंड कुछ लाइक ट्री स्कर्ट्स हैं, इज़ रियली गुड। होम सेंस में इन दिनों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एंड एवरी डे हम शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो स्टे ट्यून रहना। को हमेशा छोड़ने के बाद जो मेरा काम होता है क्लीनिंग एंड फूड मैं बना लेती हूँ। अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है एंड कोई आया है डोर पे, मैं देखती हूँ कौन है। आज बहुत सारी चीज़ें आनी है, एक्चुअली दिस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले देखती हूँ कि क्या आया है एंड फिर मैं आपके साथ और लेफ्ट ओवर चीज़ें शेयर करती हूँ। ओके, अमेज़न से पैकेज आया है, बहुत जल्दी आ गया एक्चुअली एंड इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जितनी आज मेरे से पैक हो सके उतनी करूँगी एंड उससे पहले मुझे करनी है कुकिंग। सो इसमें बहुत कुछ है। चलो मेरे नूडल्स देखती हूँ। नूडल्स बॉईल हो गए हैं एंड इसको मैं एटलीस्ट 5 मिनट करती हूँ एंड वेजिटेबल्स को मैंने पका लिया है। इसमें मैंने सारी सॉस ऐड कर दिया, लाइक सोया सॉस, केचप एंड लिटिल बिट सॉल्ट। डिटेल में आपके साथ नूडल्स की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, आप देख लेना। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगी, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले 2 स्पैचुला लेकर। एंड नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे मंचूरियन के साथ आप बनाएं। गाइस, मैंने बहुत सारे प्रेजेंट्स बच्चों के लिए लाइक ऑर्डर किए थे, वो आ गए हैं क्रिसमस के लिए। अब उनके आने से पहले पहले मैं चाहती हूँ कि उनको पैक करके अंडर द ट्री रख दूँ। यूज़ करूँगी ये रैपिंग पेपर जो मैंने लिया था डोरामा से, ये बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करती हूँ। कुछ बॉक्सेस भी मैंने लिए थे डोरामा से, इनको यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छे, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो एंड ये अच्छे से बंद हो जाते हैं। बट मैं पैक करके रखूँगी क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज़ पैक करना है। सो चलो करती हूँ इसमें। ओके, इसमें मैंने कुछ चीज़ें पैक कर ली हैं, ये भी अमेजन से आया था एंड आपके लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ रख रही हूँ, आप भी वेट करना अंटिल क्रिसमस। सो इसमें भी मैंने पैक करके चीज़ें रखी हैं। तो मैं चाहती हूँ ना उनको कुछ भी पता ना लगे कि मम्मा ने क्या लिया है। ये मेरे बच्चे बहुत ख़राब हैं, वो ऐसे फील करते हैं ना चीज़ों को, बता देते हैं मम्मा इसमें ये है ये। सो मैंने आज बहुत इसे अच्छे से पैक किया है। आपको याद होगा जी भी मैंने बॉक्सेस आपके साथ शेयर किए थे ना, सो इसमें भी मैंने पैक किया है। जी मैंने डोरामा से लिए थे, डोरामा से बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेस मिल जाते हैं। सो इसमें भी मैंने क्यूट क्यूट सी चीज़ें पैक की अपने बच्चों के लिए। हियर वी गो। सो अभी इतने प्रेजेंट आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा ट्री भर जाएगा। मेरे कपड़ों का एक लोड भी वॉश हो गया है, उसे मैं ड्रायर में डाल देती हूँ एंड ऐसे ही मैं मल्टीटास्क काम करती रहती हूँ।
आई थिंक मैं आपके साथ एक बात शेयर करना ही भूल गई हूँ। मैं अब आपको वीडियो एवरी डे दूंगी क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगमस। ब्लॉगमस मीन्स मैं आपको दिसंबर 1st से, आज पहला दिन है, 1st डे से लेकर क्रिसमस तक आपको ब्लॉगमस मिलेगा। एवरी डे वीडियो मिलेगी एंड आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं एवरी डे रूटीन में करती हूँ। या मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तो मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगती, राइट? मैं आपकी हमेशा रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाती हूँ, इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ जो मेरी नीश भी नहीं थी एंड बट जो आपको अच्छा लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती हूँ। सपोर्ट चाहिए मुझे आपकी, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कर दें, फिर मैं आपके लिए अपना होम टूर लेकर आऊँगी, सभी के साथ अपने घर का टूर शेयर करूँगी। बट 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड जल्दी से आपके साथ होम टूर शेयर करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। We wish you a Merry Christmas and a happy